साथियों नमस्कार। आज हम सिटी अलचल शिवानी हिसार गुरु जम्बेश्वर मंदिर में पहुंचे हैं। हमारे साथ विष्णु गोदारा लिल्लत से। सभी को, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को, देशवासियों को श्री कृष्ण और श्री गुरु जम्बेश्वर कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारे प्रिय साथी अजय धेड़ू जी ने पूछा कि जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ क्या प्रोग्राम रहा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल हमारे यहाँ पर सर्वधर्म का सम्मेलन किया गया था। आज सुबह खुला अधिवेशन हुआ और उसके पश्चात युवा सम्मेलन और पर्यावरण सम्मेलन भी हुआ। और श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के 29 नियमों के बारे में यहाँ हवन भी हुआ और 29 नियमों की पालना करने के लिए का संदेश हमारे समाज के संतजनों ने हमें दिया। और सभी देशवासियों को पुनः एक बार श्री कृष्ण और श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के अवतार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू गोदा सर। और हमारे साथ है कुलदीप सियाग बड़वा से, युवा समाज सेवी। नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सियाग आप सभी को सबसे पहले मेरी ओर से आपके व आपके परिवार को इस कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ये त्यौहार आपके और आपके परिवार के लिए खुशियों की बाहर लाए। और आज हम यहाँ जम्बेश्वर मंदिर हिसार में पहुँचे हैं और सुबह से कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम उत्सव चल रहा है। अभी कुछ ही देर में जागरण स्टार्ट होगा गुरु जम्बेश्वर भगवान का। और यहाँ पे हर प्रकार से छोटे बच्चों द्वारा स्कूल के कार्यक्रम झांकी के द्वारा दिखाए जा रहे हैं और शहर के लोग की भीड़ और उत्साह बहुत अच्छे तरीके से है। इसी के साथ धन्यवाद। साथियों हमारे साथ है उधम सिंह। सर जी, सबसे पहले तो मैं जन्माष्टमी की जो हमारे आपके चैनल से माध्यम से देखना चाह रहे हैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। हमारे गुरु जम्बेश्वर सेवक दल की तरफ से मैं आया हूँ, तो मैं मानता हूँ कि सेवक दल के रीढ़ की एक हड्डी होती है, तो हमारे कई सालों से सेवक दल के जो रीढ़ की हड्डी माने जाने कहने वाले रीढ़ की हड्डी जो भी है तो बहुत ही अच्छी सेवा दे रहे हैं। भंडारा चल रहा है, सुबह से लगातार सेवक दल के कर्मचारी लगे हुए हैं और कल सवेरे 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा सेवक दल का। जय हिंद। धन्यवाद। कुलदीप देड़ू शिवानी से, सचिव अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा। सभी को गुरु जम्बेश्वर के 569वें जन्मोत्सव पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया बिश्नोई मंदिर हिसार में। सभी साथियों के सहयोग से सभी को गुरु जम्बेश्वर जन्मोत्सव पर बधाई व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। थैंक यू कुलदीप जी। हमारे साथ परमिला बांबू शिवानी से, कार्य करने। गुरु जम्बेश्वर भगवान का 569वां जन्मदिन है और बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है हिसार में। और गुरु महाराज की कृपा से आज सारा काम बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न हुआ। धन्यवाद। थैंक यू जी। और हमारे साथ है ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल के, गुरु जम्बेश्वर स्कूल के, और ये हमारे जम्बेश्वर का रोल करते हुए। मैं गुरु जम्बेश्वर स्कूल से पढ़ता हूँ, तथा 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक है। कौन से स्कूल से आप? गुरु जम्बेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार। कब से रोल कर रहे हो? मैं ये 8th क्लास से ही शुरू कर। थैंक यू। हमारे साथ है बीएन कॉलेज के लेक्चरर सुरेंद्र बिश्नोई और अमर ज्योति के एसोसिएशन के संपादक। इनसे हम जन्माष्टमी के इस पावन पर पूछना चाहेंगे कि आज हम यहाँ जम्बेश्वर मंदिर हिसार में पहुँचे हैं, तो कैसा प्रोग्राम क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं सिटी हलचल के सभी दर्शकों को जामानी साहित्य अकादमी की ओर से भगवान श्री कृष्ण के अवतार दिवस जन्माष्टमी और भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के 569वें अवतार दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। यह त्यौहार हमारे लिए, बिश्नोई समाज के लिए विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण का अवतार दिवस तो है ही, साथ में ही बिश्नोई धर्म के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर जी का भी अवतार दिवस होने के कारण यह हमारे लिए दुगुनी खुशियों का दिन होता है। और इस दिन बिश्नोई मंदिर हिसार में बहुत हलचल रहती है,
तीन दिन तक ये कार्यक्रम लगातार यहाँ पर चलता है और कम से कम 50,000 की संख्या में श्रद्धालु यहाँ तीन दिनों में आकर के अपना नतमस्तक होते हैं गुरु महाराज को और यहाँ उनकी ज्योति के दर्शन करते हैं। धन्यवाद सरकार।